कटिहार एसपी विकास कुमार ने बुधवार को बलिया बैलोन थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने गुंडा पंजी, लूट पंजी, डकैती पंजी, गिरोह पंजी, खतियान, दागी पंजी, स्टेशन डायरी, सीडी पार्ट 2 और 3 सहित अन्य सभी अभिलेखों का निरीक्षण किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हाल के दिनों में बलिया बैलोन क्षेत्र में विदेशी शराब की बरामदगी का मामला बढ़ गया है। इसको लेकर थानाध्यक्ष को सूचना संकलन कर ज्यादा से ज्यादा विदेशी शराब की बरामदगी और गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। निरीक्षण के दौरान कुछ अभिलेख अपूर्ण पाए गए, जिसको थानाध्यक्ष को पूरा करने का आदेश दिया गया है। साथ ही पूर्व के लंबित कांडों की भी समीक्षा की गई। वही सीस्ता का कार्य संतोषजनक होने की बात कही गई। मौके पर थाने की साफ सफाई, चौकीदार का बैरक, महिला सिपाहियों की रहने की सुविधा की भी एसपी ने जानकारी ली। निरीक्षण की तिथि आज निर्धारित थी, उसी क्रम में 22 सितंबर को बलिया बैलोन थाने का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के क्रम में थाने का विभिन्न अभिलेख जैसे गुंडा पंजी, सीडी पार्ट 2, सीडी पार्ट 3, स्टेशन डायरी एवं अन्य सभी अभिलेखों का अवलोकन किया गया है। सिरिस्ता का कार्य संतोषजनक है और कुछ अभिलेख अपूर्ण हैं, जिनको पूरा करने का भी निर्देश थानाध्यक्ष बलिया बैलोन को दिया गया है। इसके अलावा हाल के दिनों में जो विदेशी शराब की बरामदगी हुई है, उस कांड की भी समीक्षा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस निरीक्षक के साथ की गई है और थानाध्यक्ष को भी निर्देश दिया गया है कि आगे भी सूचना संकलन कर ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी शराब की बरामदगी और गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान एसटीपीओ प्रेमनाथ राम, पुलिस निरीक्षक बारसोई अरुण कुमार सिंह सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रभात सिंह, टाइम्स न्यूज, कदवा।